लोगों घातांक और कर्णी के फार्मूला को पढ़ लिया था, आते हैं उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपने लास्ट में पढ़ा होगा, आपको भी याद होगा। अब जैसे हम लोग को जो पढ़ना है बहुत ही आसान है, और मुझे तो लगता है आप कर भी लेंगे बहुत आसानी के साथ। यह है कि जैसे दे दिया जाए कि 2 × 5 को घातांक के रूप में लिखिए या गुणनखंड रूप में लिखिए, तो लिख लेंगे आसानी से 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर दे दिया जाए कि 3 × 3 × 3 × 5 × 5 को घातांक के रूप में लिखे, तब तो ये 3 बार है, 2 × 3 × 3 × ये 2 बार है, तो 5 × 5, बस बात खत्म। लिखते चलेगा, अभी धीरे धीरे आपको प्रश्न की तरफ बढ़ा रहे हैं। हम कहीं शॉर्टकट मार देंगे तुरंत, आप लोग सर कहां से 3 आया, तब जानते रहे कहां से 3, कहां से 2 आया। और अगर यही 1 × 5 और होता तब, तब क्या होता? यहां भी 3 बार होता, कुछ नहीं करते। तो 3 × 3 × 5 एक नियम और है, जब घातांक समान हो तो 3 × 5 और पूरे के घाते, तो ये हो जाता 15 × 3, तो 3375। कहेंगे 375 घास भाग है, 15 घन, याद है किसी को? नहीं याद है, हमें याद है, तो तुरंत कर लिए। आप लोग काफी कलम निकालेंगे, गुड़ा करेंगे 3 × 3 × 3 या 15 × 15 × 15, हमें याद है, कर लिया। आप भी याद करिए, हम तो कहते हैं आप भी याद करिए। और लिखते चलिए, लिखते चलिए, स्क्रीन शॉट बनाते चलिए। एक बात आपको खाली याद कर लेना है, मिटा दे इसको, आगे बढ़े। अगर दे दिया जाए 2 − 2 × −2 × −2 × −2 × −2, तो क्या आएगा? दो घाते 1 2 3 4, अगर ये गुणन समबार है, इसका घातांक जो होगा वो सम आएगा, कितना आएगा? 2 घाते। लेकिन अगर यही गुणे 2 × −2 होता, मतलब 5 बार होता, तब तभी होता 2 × −, तो याद रखिएगा समबार अगर गुणन करते हैं तो जिसकी घातांक होती है समबार में प्लस, सम में क्या आएगी? धनात्मक। अगर ऋण है तब, और विषम में ऋणात्मक, विषम में क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। समझ में आ गया? सवाल भी देख के देख लेते हैं। 9 × −17 का चिन्ह क्या आएगा? गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? विषम बार है, ये 16 होता 18 होता धनात्मक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। आगे बढ़ते हैं, चले हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर? डस्टर उठाते हैं बार बार, आदत पड़ गई है इरेज करने की। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत आप लोग को? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए कि 32 × 5/2, नहीं गड़बड़ हो गया ना, 5/2 का मान क्या होगा बताइए, क्या करेंगे? हाँ, गुणनखंड करेंगे। हाँ, तो 32 जब गुणनखंड करेंगे आप,
तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि दो घाते पाँच, अब पूरे के घाते पाँच बटे, फिर दो घाते पाँच गुड़े पाँच बटे, अच्छा पाँच बटे दो लिख दिए थे, उसको बदल दे रहे, थोड़ा प्रश्न बदल दे रहे हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा प्रश्न बदल दे रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं बदलेंगे, थोड़ा सा बस, हाँ समझ तो गए आप लोग, दो बटे पाँच कर दिए, यहाँ भी हो जाएगा दो बटे पाँच, पाँच से कैंसिल, दो घाते दो बराबर चार, ये दो घाते पाँच हमने कर दिया है। भैया समझ में तो आ रहा है ना, ये पता चला हम पढ़ाते चले गए आपको समझे में ना आए, वह पद हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया, आ गया तब आगे लगाइए। दो सौ 43 के पावर 2 घात बटे 5, 2 बटे 5, 243 घाते 2 बटे 5, आप गुणनखंड करेंगे जल्दी से तो आप पाएंगे 243 का गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 = 9 = 27, 3 × 81 = 243, 5 बार हुआ तो लिखेंगे 3 × 5 पूरे के पावर 2/5, तो 3 × 5 पूरे का 2/5, 5 से कैंसिल, 3 × 2/9, समझ में आया कैसे किया हमने, बताइए आप लोग हमने कैसे किया, खूब ध्यान समझिएगा, फिर नहीं समझेंगे तो फिर कह मत कहिएगा नहीं सर हमको समझ में नहीं है। दोबारा कुछ नहीं करना है, 243 के घाते 2/5 था, 243 हमने गुणनखंड कर दिए, सड़ा के लिए इसलिए दिक्कत हो रही है, ये इसका अब इसको लिखेंगे तो 43 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 3 × 5, तब ये पूरे घाते क्या बन जाएगा 2/5, ठीक। हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए, चलिए एक बटे 81 पूरे घाते माइनस 3/4, कई तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था इसके पहले, यदि a की पावर माइनस m हो तो इसे लिख सकते हैं 1/a^m, अगर यहाँ पे दिया है कि 1/a^n में है तो ऊपर जाएगा तो 1
ठीक है, अगर उसको ऋणात्मक या धनात्मक बदलना है इसे लिख सकते हैं कि अंश का हर्म हो जाएगा, 81/1 लिखे, एक लिखे ना लिखे माना जाएगा 81^3/4। ये उसका रूल है, नियम है, मतलब क्या कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व किया जाए। वैसे तो हम जानते हैं 81 का गुणनखंड करेंगे आप तो 3^4 और पूरे घाते 3/3, ये 4/4 इंच कैंसिल कर सकते हैं, 3^3/27। आगे भी गुणा करते हैं, धीरे धीरे सीखते चलिए, धीरे धीरे शॉर्टकट करते चलिए, हर एक प्रश्न में हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। समझ में आ रहा है? धनात्मक हो गया, ये माइनस को धनात्मक करने के लिए अंश को हर हर में अंश से बदल देंगे। जैसे अगर दे दिया है कि यक्स यक्स बटे वाई इसके पावर -5 है, तो अगर हम कर दें इसको वाई बटा यक्स तो -5 से +5 हो जाएगा। अंश को हर हर में अंश से बदल दे। कोई दिक्कत? बड़े समझ में आ रहा है ना? तबारत इसको बताइए कितना उत्तर आएगा, इसका हम आपसे जवाब चाहेंगे। क्या उत्तर होगा इसका, जवाब दीजिएगा, आराम से लगाइए, आंसर बताइए आपने। हो गया आपका थोड़ा गुणनखंड थोड़ा जान जाइए। 64 क्या होता है, ये ऊपर ले जाएंगे, ये ऋण है, धन हो जाएगा तब, ये 64 क्या हो जाएगा 6, 2 को 64 लिखेंगे 2^6 पूरे घाते, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अभी हो जाएगा 2^6 ये 64 है ना, तो इसे मिल ही सकते हैं कि 1/2^6 अब पूरे घाते -6, धनात्मक करना होगा, 3 नीचे कहाँ जाएगा, 2^6/1^6 ये हो जाएगा 100 में। लेकिन अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर देता, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। देखिए उस पर लिख, वहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहा है, देखिए वहाँ पे पेन चल रही है, यहाँ चल रहा है, यहाँ पे
वहाँ मतलब यहाँ डस्ट नहीं कर काम कर। ठीक है आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं अगर इसी प्रश्न को इस तरह से दे दिए हो गया ना बेटा। चौसठ के पावर वन माइनस वन बाई सिक्स है, इसको सॉल्व करें कितना आता है? माइनस वन बाई सिक्स है। ये सिक्स है माइनस एक ही है टू भी होगा। इसके दो उत्तर आएंगे मतलब सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो घाते छः पूरे घाते माइनस वन बाई सिक्स, सिक्स कैंसिल टू के पावर माइनस वन। जब धनात्मक बदलना है तो एक बट्टे टू के पावर वन मतलब एक बट्टे दो भी आएगा उसका उत्तर और ये आएगा। इसके दो उत्तर होंगे। अब मान ही रखता है परीक्षा में कौन सा दिया, एक बट्टा दो और इसके दो उत्तर होंगे। मैंने इतना परीक्षा में कौन सा दिया है? ठीक है आगे बढ़ा जाए हो गया ना। एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और देख रहे हैं n बट्टे n n घाते a और n घाते b a प्लस b गुणे n बट्टे n बी घाते सी पूरे घाते बी प्लस सी फिर गुड़े यन बट्टे यन सी घाते ए पूरे घाते सी प्लस ए का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? C प्लस ए है लास्ट में। चलिए एक बार व्हाइट बोर्ड में नहीं सॉल्व हो पाए इसको दो लाइन में लगाना पड़ेगा। हमने दिन पढ़ा था ये दोनों क्या है, ये भाग में है। अगर दे दिया जैसे a बटे b ठीक या a अनुपाते b, इसका मतलब होता है क्या कि a में b से भाग। याद है ये आप लोग को? याद है ना? याद है ना? इसके साथ कर लीजिएगा। फिर हमें जानते हैं यदि a है ठीक इसके घाते पाँच है बटे ए के घाते दो है, इसे हम लिख सकते हैं ए घाते पाँच माइनस दो मतलब ये हो जाएगा ए घाते, ये भी आप जानते हैं, इसके शॉर्ट करते चलिएगा, मैं केवल समझाते जा रहा हूँ ये रूल। ये समझ में आया? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तब देखिए ध्यान देखिएगा। इसे मैं लिख सकते हैं मतलब यन के पावर है ए बटे बी हो सकता है, ये दोनों का आधार सेम है, आधार सेम भी लिख सकते हैं बटे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हम अगर चाहें तो पहले इस तरह से लिख देते, नहीं तो आप लोग कहेंगे कहाँ से आ गया।
एन बटे एन, ठीक, पूरे के घाते ए माइनस बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा गुड़े, कोष्ठक थोड़े गुड़े हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस, एक कोष्ठक में प्लस भी कोष्ठक में, फिर गुड़ा ऊपर वाला भी ऐसे होगा, क्या हो जाएगा एन बटे एन, फिर एक कोष्ठक में बी माइनस सी, दूसरे में बी प्लस सी, फिर गुड़ा करेंगे तीसरा भी, ये गुड़ा यहाँ पे गुड़ा करेंगे, फिर लिखेंगे एन माइनस एन बटे, क्या लिखेंगे सी, सी माइनस ए एक कोष्ठक में, दूसरे में सी प्लस ए, याद है सुन मैं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि इसको इरेज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लग पाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, मिटा रहे ऊपर का, अब ये फार्मूला बन गया, अगर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी आधार समान है गुणे में तो जुड़ते जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन बटे एन, ये हो जाएगा ए कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे में क्या है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ प्लस होगा बीच में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कट गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस कट गया। अब हमें प्राप्त क्या होगा, अब एन एन बटे एन के घाते जीरो, अकी संख्या घात जीरो उसका मान क्या होता है एक होता है, इसकी संख्या घात जीरो उसका मान, उतने बड़े सवाल का आंसर कितना है लड्डू, इतने बड़े सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया, उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमें लास्ट में अंतोगत्व लड्डू। हाँ वन आ गया ना यार, अभी कुछ देर पहले हम तो वन वन लाए थे, क्या अब कंडीशन बनेगी तो फिर देखा जाए, इसके पहले कंडीशन काफी बार बनी है, घात ये होता उसका मान एक आया है, इसके घात नहीं बना कंडीशन का बाद घात जीरो आया। खोदा पहाड़ निकली कछुई, अच्छा चूहे निकलेगी, कछुआ उछुआ नहीं निकलेगा, मेढक उड़क नहीं, अच्छा चूहा कहाँ पहुंच जाएगा वहां, आगे चलिए, गठबंधन की सरकार बनाते हम लोग, अब प्रश्नों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। 512 घाते माइनस 2 बटे 9 का मान होगा, इसका तरीका आपको हम बताते हैं, अगर आपको ये पता होगा कि 512 8 का क्यूब है, तो 8 घाते 3 पूरे घाते माइनस 2 बटे, और फिर 8 भी क्या है 2 घाते 3 का है, 2 घाते 3 गुणे 3 फिर पूरे घाते माइनस 2 के पावर 9। अब क्या होगा, 2 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे माइनस 2 बटे, तो 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, तो फिर हो जाएगा तो 2 के पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 घाते माइनस 2 है ना, तो
तो दो घाते माइनस दो को लिख सकते हैं एक बटे दो घाते दो माने एक बटे चार। आप इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई समस्या आती फिर हमें बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। आगे बढ़ा जाए, हुआ क्लियर ना? कैसे हमने किया, एक बड़े चार आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ दशमलव वाला प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। जीरो दशमलव जीरो दो सात के पावर वन बाई थ्री हो तो क्या होगा? बहुत ही आसान तरीका है, एक समझना चाहे तो समझ ले, नहीं समझना चाहे कोई बात नहीं। लगाइए एक बार, तब समझाते, एक बार अपने मन से लगाइए, नहीं आएगा तुम तो भैया है बताने के लिए, एक बार कोशिश करिए। इसे एक तरीके से और लिख सकते थे हम, बता यहाँ पे अगर कर्णी घात तीन होता, तीन का जोड़ा बना सकता था, इसका क्यों 0.3 उत्तर। भाई इसको तो घनमूल तो ले सकते हैं, हमने पढ़ा था यदि एक कर्णी के घात यहाँ पे तीन हो तो इसे लिख सकते हैं ए का पावर वन बाई, लिख सकते हैं। लेकिन तरीका जो है हमें अलग से पढ़ना है, मैं जुगाड़ बता रहा था, अभी बता रहे क्या होगा, पहले ये समझ में आया। ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 घनमूल निकाले, तीन का जोड़ा बना, तीन दस तीन अंक पे दशमलव, मैंने ऐसा पढ़ाया है, लेकिन हम ये जुगाड़ पढ़ा बताए हैं। लेकिन हम लोग को जुगाड़ नहीं पढ़ना, हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 0.3 × 0.3 × 0.3 अब पूरे का घात 1/3 माने 0.3 का पावर 3 इंटू 1/3 से कट गया, तो क्या होगा 0.3 का पावर 1 अर्थात 0.3, इसे लिख सकते हैं 3/10। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने विधि बताया उस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीका है आपका, जैसे आप करना चाहें। क्या हुआ, जुगाड़ तो बता दिया पहले ही, लास्ट में बताया आप लोग कहने, जुगाड़ में बताया तुमने, ये बता दिया। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। हाँ नहीं, जुगाड़ इतना ज्यादा हमेशा हर जगह काम नहीं करता है ना, देखते हैं। जब 0.09 पूरे का पावर 3/2, अब इसका भी होगा गुणनखंड करेंगे तो 0.3 × 0.3 एक पावर है 3/2, ये हो जाएगा 0.3 का घाते दो और पूरे घाते 3/2, दो से कैंसिल, तो 0.3 के पावर 3 तो 0.027 अर्थात 27/1000। ये सब बेसिक है, इसी आधार पर हम लोग सवाल लगा पाएंगे, अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर हम कैसे सवाल लगाएंगे, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इंडिविजुअल भी गणित अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सबको मोस्ट वेलकम।
ये सब बेसिक गणित है, अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। हर जगह जुगाड़ नहीं काम कर सकते ना, जहाँ लगे खुद ही बताएंगे यहाँ जुगाड़ है। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सवाल के, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग अभी पढ़ लेंगे आपको हम, अगर आपके पास कोई बुक हो, अगर ये लूसेंट वाली अगर आपके पास बुक हो, सबसे अच्छी किताब है ये लूसेंट वाली, ये ले लीजिए, इससे प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये लूसेंट की प्राथमिक अंग्रेजी, ये हो गया तो हमारे गणित की नोट्स होगी आपके पास, दोनों में से जो प्रश्न उसको दिए गए उसको सॉल्व करिएगा, क्रम से एकदम दिया गया है, तब आपको नहीं होगा ये तब तक बता देंगे। अगर आपके पास नहीं होगी हम क्वेश्चन क्लिक करके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं दिए गए प्रश्नों पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके आधार पर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यदि आधार समान है नहीं है तब अगर प्रश्न आएंगे तब कैसे लगाएंगे। पहले इतनी कि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये इतना कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब हम लोग कितना भी पढ़ा दे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार आप कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा क्लियर कर लें। यहाँ तक अगर कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत हो आप बताएं। ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप के लिए दुर्गे सर सर्च करेगा वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग बताइए कोई सुझाव या कोई समझ में ना आया तो उसके लिए हम बताएं आपको। यहाँ तक समझ में आ गया और आगे पढ़ा दिया जाए कि ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। ऐसी शिक्षण भी आपको जल्दी पढ़ा देंगे, क्योंकि गणित थोड़ा सा तेज करेंगे तब शिक्षण जल्दी पढ़ा पाएंगे। अगर